क्या आपने कभी खुद को अपने ही मन से बंधा हुआ महसूस किया है, जैसे आपका एक हिस्सा है जो आज़ाद होना चाहता है? कार्ल जंग के अनुसार यह हमारे अहंकार और हमारे अनंत स्व के बीच तनाव से उपजा है। अहंकार विशाल समुद्र में एक छोटे से द्वीप की तरह है और वह समुद्र हमारी वास्तविक क्षमता है। अनंत स्व वह समुद्र है, यह असीम है। संभावनाओं से भरा हुआ जंग का मानना था कि इस अनंत स्व में टैप करने से हमारे जीवन बदल सकते हैं। डर और संदेह की सीमाओं के बिना जीने की कल्पना करो, यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे हम सब शुरू कर सकते हैं। पहला कदम है अहंकार और अनंत स्व के बीच के अंतर को समझना। अहंकार हमारा चेतन मन है, यह हमारा वह हिस्सा है जो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है। यह हमें सुरक्षित रखता है लेकिन हमें सीमित भी करता है। दूसरी ओर अनंत स्व हमारा असली सार है, यह हर चीज और हर किसी से जुड़ा है। इसे पहचान कर हम और अधिक पूरी तरह से जीना शुरू कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन को अपने अहंकार तक ही सीमित रखते हैं। हम मानते हैं कि हम अपने विचार और भावनाएं हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम उससे कहीं ज्यादा हों? जंग की शिक्षाएं हमें इस संभावना का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे हमें अपने अहंकार से परे जाने और अपने अनंत स्व से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कार्ल जंग एक स्विस मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की। जंग के काम ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसमें मनोविज्ञान, नृविज्ञान और यहां तक कि कला भी शामिल है। वह मानव मानस की गहराई तलाशने में अग्रणी थे। उनकी अवधारणाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जंग अचेतन मन से मोहित थे। उनका मानना था कि इसमें खुद को समझने की कुंजी है, फ्रायड के विपरीत, जिन्होंने दमित इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित किया। जंग ने अचेतन को ज्ञान के भंडार के रूप में देखा। उन्होंने सामूहिक अचेतन और आद्य रूपों जैसे विचारों को पेश किया। जंग के केंद्रीय विषयों में से एक है व्यक्तिगतकरण की यात्रा। यह संपूर्ण बनने की प्रक्रिया है। इसमें खुद के अलग अलग हिस्सों को एकीकृत करना शामिल है। जंग का मानना था कि यह यात्रा व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। यह हमें एक खंडित अवस्था से एकीकृत अवस्था में जाने में मदद करता है। जंग की शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अपने अहंकार और अनंत स्व को समझकर हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने अनुभवों में गहरा अर्थ पा सकते हैं। जंग की अहंकार की अवधारणा महत्वपूर्ण है। अहंकार हमारा चेतन मन है, यह वास्तविकता से निपटता है लेकिन सीमित है। अनंत स्व हमारा असली सार है, यह विशाल और असीम है। द्वीप हमारा अहंकार है, समुद्र अनंत स्व है। अहंकार हमें जीवित रहने और बातचीत करने में मदद करता है लेकिन यह हमें सीमित भी करता है। अनंत से जुड़ा है। जंग का मानना था कि अनंत स्व को पहचानने से जीवन बदल सकते हैं। हम ज्ञान और रचनात्मकता के स्रोत में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने अहंकार से आगे बढ़ सकते हैं और अपने अनंत स्व से जुड़ सकते हैं। जंग की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है परछाई। परछाई हमारा वह हिस्सा है जिसे हम छिपाते हैं। यह उन पहलुओं से बना है जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं। इसका सामना करके हम खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके लिए साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हैं। अपनी परछाई को एकीकृत करके हम और अधिक संपूर्ण हो जाते हैं। परछाई को उजागर करना एक आजीवन यात्रा है, आत्म जागरूकता की ओर यात्रा परिवर्तनकारी है। इसमें हमारे अहंकार की सीमाओं को पहचानना शामिल है। हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक हैं। यह एहसास हमारे अनंत स्व से जुड़ने की दिशा में पहला कदम है। आत्म जागरूकता हमारी आंतरिक दुनिया को देखने के बारे में है।
हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए दिमागीपन और प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। ऐसा करके हम उन पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जो हमें पीछे रखते हैं। हम अपने अहंकार से परे देखना शुरू कर सकते हैं। यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, इसमें असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये फायदेमंद भी है। जैसे जैसे हम अधिक आत्म जागरूक होते जाते हैं, हम स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं। हम अपने अनंत स्व से जुड़ सकते हैं। आत्म जागरूकता एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। हर कदम के साथ हम अपने वास्तविक सार के करीब पहुंचते हैं, हम अपने अनंत स्व के साथ अधिक जुड़ जाते हैं। ये यात्रा व्यक्तिगत विकास और पूर्णता के लिए आवश्यक है। अहंकारबद्ध अस्तित्व से अनंत स्व को अपनाने के लिए परिवर्तन में व्यावहारिक कदम शामिल है। पहले चरणों में से एक है दिमागीपन। दिमागीपन वर्तमान में होने का अभ्यास है। यह हमें निर्णय के बिना अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण कदम है आत्म प्रतिबिंब। इसमें हमारी आंतरिक दुनिया की जांच करना शामिल है। हमें उन पैटर्न और व्यवहारों की पहचान करने की आवश्यकता है जो हमें पीछे रखते हैं। पत्रकारिता इसके लिए एक सहायक उपकरण हो सकती है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से तलाशने की अनुमति देता है। थेरेपी भी फायदेमंद हो सकती है। एक चिकित्सक के साथ काम करने से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह हमें हमारे अचेतन मन को समझने में मदद कर सकता है। चिकित्सा हमारी परछाई को एकीकृत करने और हमारे अनंत स्व से जुड़ने में हमारा समर्थन कर सकती है। अंत में हमें आत्मकरुणा का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसमें खुद के प्रति दयालु होना शामिल है। हमें अपनी अपूर्णताओं और गलतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आत्मकरुणा हमें अपने अहंकार से आगे बढ़ने में मदद करती है। ये हमें प्रेम और समझ के साथ अपने अनंत स्व को अपनाने की अनुमति देता है। आइए परिवर्तन के कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें। 35 वर्षीय शिक्षिका सारा को अपने जीवन में फंसा हुआ महसूस हुआ। वह आत्मसंदेह और चिंता से जूझती रही। चिकित्सा के माध्यम से उसने अपने अचेतन मन की खोज शुरू की। उसने अपने डर का सामना किया और अपनी परछाई को अपनाया। समय के साथ सारा का दृष्टिकोण बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने विचारों और भावनाओं से कहीं बढ़कर है। वह अपने अनंत स्व से जुड़ने लगी। इस परिवर्तन ने शांति और स्पष्टता की भावना पैदा की। सारा अधिक आत्मविश्वासी और पूर्ण हुई। एक और उदाहरण है 40 वर्षीय उद्यमी जॉन का। जॉन सफलता से प्रेरित था लेकिन अंदर से खाली महसूस करता था। उन्होंने दिमागीपन और आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास शुरू किया। इससे उन्हें अपनी प्रेरणाओं को समझने में मदद मिली। उसे एहसास हुआ कि वह बाहरी मान्यता का पीछा कर रहा है। जॉन की यात्रा परिवर्तनकारी थी। उन्होंने वास्तव में मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह अपने अनंत स्व से जुड़ गया। ये उद्देश्य और खुशी की भावना लेकर आया। जॉन अपने जीवन में अधिक प्रामाणिक और संतुलित हो गया। दिमागीपन हमारे अनंत स्व से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पल में मौजूद रहने का अभ्यास है। दिमागीपन हमें निर्णय के बिना अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने में मदद करता है। यह हमें अपने अहंकार से परे देखने की अनुमति देता है। जब हम दिमागीपन का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। हम उन पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जो हमें पीछे रखते हैं। यह जागरूकता परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। यह हमें अपने अहंकार से आगे बढ़ने और अपने अनंत स्व से जुड़ने में मदद करता है। दिमागीपन भी शांति की भावना लाता है। यह हमें तनाव और चिंता को दूर करने की अनुमति देता है। हम जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। वर्तमान में रहकर हम हर पल की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। यह हमारी समग्र भलाई को बढ़ाता। वह
दिमागीपन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, दिन में कुछ मिनट भी फर्क ला सकते हैं। तो दिमागीपन हमें अपने अनंत स्व के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। ये आत्म जागरूकता और विकास की हमारी यात्रा का समर्थन करता है। अनंत स्व को अपनाना एक परिवर्तनकारी यात्रा है। इसमें यह पहचानना शामिल है कि हम अपने अहंकार से कहीं अधिक हैं। हमें अपने वास्तविक सार से जुड़ने की जरूरत है। यह शांति और पूर्णता की भावना लाता है। पहले चरणों में से एक है आत्म स्वीकृति। हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत है जैसे हम हैं। इसमें हमारी ताकत और कमजोरियां शामिल हैं। आत्म स्वीकृति हमें अपने अहंकार से आगे बढ़ने में मदद करती है। यह हमें प्रेम और समझ के साथ अपने अनंत स्व को अपनाने की अनुमति देता है। एक और महत्वपूर्ण कदम है डर को दूर करना। डर अहंकार की उपज है। यह हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। डर को दूर करके हम अपने अनंत स्व में प्रवेश कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता और आनंद की भावना लाता है। अंत में हमें कृतज्ञता का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कृतज्ञता हमारे ध्यान को अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाती है। यह हमें वर्तमान क्षण की सराहना करने में मदद करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपने अनंत स्व के साथ जुड़े रहते हैं। हम शांति और पूर्णता की भावना के साथ जीवन को नेविगेट कर सकते हैं। अंत में कार्ल जंग की शिक्षाएं व्यक्तिगत विकास के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे हमें अहंकार और अनंत स्व के बीच के अंतर को समझने में मदद करते हैं। इसे पहचानकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं और अपने वास्तविक सार से जुड़ सकते हैं। आत्म जागरूकता की ओर यात्रा आवश्यक है। इसमें दिमागीपन, आत्म प्रतिबिंब और आत्म करुणा शामिल है। इन चरणों का अभ्यास करके हम अपने अनंत सुख को अपना सकते हैं। यह शांति और पूर्णता की भावना लाता है। हम जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण बताते हैं कि यह परिवर्तन संभव है। सारा और जॉन जैसे लोगों ने गहन बदलावों का अनुभव किया है। वे अपने अहंकार से आगे निकल गए हैं और अपने अनंत स्व से जुड़ गए हैं। ये उद्देश्य और खुशी की भावना लेकर आया है। सच्चे आत्म साक्षात्कार का मार्ग एक सतत यात्रा है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। हर कदम के साथ हम अपने वास्तविक सार के करीब पहुंचते हैं। अपने अनंत स्व को अपनाकर हम और अधिक प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं। यह एक पूर्ण और सार्थक जीवन की कुंजी है।